Hello there, future of the country. Welcome back to our channel CK24. Today's topic is assertion and reason of chapter real numbers for class 10 students. So let's get started. इसमें हमें direction जानना होगा. Questions में statements होंगे, वो followed होगा और चार ऑप्शन होंगे. चार ऑप्शन में जो ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा उसे हम लोग टिक करेंगे. चलिए देखते हैं डायरेक्शन क्या लिख रहा है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन ए डिनोटेड बाय ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन डिनोटेड बाय आर. मार्क द करेक्ट चॉइस एज. तो ए सेक्शन में ये दिया है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. बी में दिया है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए. सी में दिया है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. डी में दिया है एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. Assertion: When a positive integer a is divided by 4, the values of remainder can be 0, 1, 2, or 3. Reason: According to Euclid's division lemma, a equal to bq plus r, where 0 r b means r lies between 0 or equal to and b, and r is an integer. A both assertion a and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. Given positive integer a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equal to bq plus r where r lies between 0 and b. This is known as Euclid division lemma. So both A and R are correct and R explains A correct. Option is A. Let's see option A. Next question. यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे जैसे वो लिखा A. यहाँ पे लिखा A. A means dividend जो हम लोग पहले से जानते थे. और यहाँ पे b को दिया है कोसेंट, सॉरी b को डिवाइजर और जो q है वो है कोसेंट. q क्या है? कोसेंट. और r जो है वो क्या है? रिमाइंडर. ये रिलेशन है आपका डिवीजन का. ये सब एलिमेंट इसको फॉर्मूला बोलता है. इक्विलिट ने बोला था कि डिविडेंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट प्लस रिमाइंडर. तो इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है. ए कोई है, ये डिवाइडेड बाय 4 है तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो जो वैल्यूज होगा ऑफ रिमाइंडर का कैन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, 4 से नीचे. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया. दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072 देन देयर एलसीएम वुड बी 169. रीजन इफ ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर देन एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट इक्वल टू ए इंटू बी. तो यहाँ पे देखना है आपको एचसीएफ का और एलसीएम का रिलेशन जानना होगा, जानते ही होंगे. और दो प्रोडक्ट इंटीजर जो होंगे पॉजिटिव के वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होंगे. यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है जैसा कि मैंने पहले बताया पहले स्लाइड में. अब देखते हैं आंसर. हियर रीजन इज ट्रू, एसर्शन इज फॉल्स. वी नो दैट फॉर एनी टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज एज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ. तो यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं तो मैं देखता हूँ, आप भी देख रहे हैं कि प्रोडक्ट करने के बाद 3042 होता है जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है 3072. तो ये इक्वल नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी एसर्शन
सही है बट रीजन इज सॉरी assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। assertion में ही ना 3042 आया है, वो जो कि 3072 से इक्वल नहीं है, तो हम लोग डी के साथ जाएंगे, assertion गलत हो गया, रीजन सही हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे बोलता है कि आपका है 12 टू द पावर एन एंड्स विद द डिजिट 0 वेयर एन इज नेचुरल नंबर। रीजन एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर एम इंटू 5 टू द पावर एन। अगर उसका प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होगा तभी वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो बहुत assertion यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास सामने है, बी में, सी में, डी में। तो आपको हमेशा इसको याद रखना है कि आपका जो फैक्टर होना चाहिए इस फॉर्म में होगा तभी वो क्या होगा इंटू 5 पावर n। इस तरह से देखते हैं कि क्या 12 टू द पावर n, तो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2 into 3। यहाँ पे तो 5 दिख ही नहीं रहा, और 2 और 5 के अलावा एक 3 फैक्टर भी है। ठीक है, चलिए आंसर में देखते हैं। 12 का फैक्टर ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन्स 5 टू द पावर n, दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 पावर n, वेयर m एंड आर नेचुरल नंबर। हियर assertion here assertion is incorrect but reason is correct। assertion यहाँ पे गलत है और reason सही है, तो हम लोग d के साथ जाएंगे, assertion is false but reason is true। next question यहाँ पे दिया है fraction 29/625 is a terminating decimal fraction। terminating decimal fraction कैसे होगा ये देखना है, तो आपको मालूम ही है ये फॉर्म याद रखना है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इसका फैक्टर आता है इस फॉर्म में तब तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। रीजन में इफ q इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर n m, देन pq इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। पी बाई क्यू यानी रेशनल नंबर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है कब, जब उसके कोसेंट यानी डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में होगा। तो आइए देखते हैं 6 टू 5 का फैक्टर क्या होता है। 625 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 5 into 5 into 5 into 5 5 5 5 25 25 5 125 125 125 into 5 equal to 5 to the power 5 4, और इसके साथ हम लोग 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि 5 ही फैक्टर है इसमें। तो देखिए सिंस द फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर 625 इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4, तो क्या कर सकते हैं इसमें 29/625 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कर दिए। सिंस assertion follows from reason, करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है डेसिमल और ये कोसेंट इस फॉर्म में है तो ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion denominator of 12.145 when expressed in the form of p by q, q is not equal to 0 and it is also 2 to the power m into 5 to the power n होना चाहिए फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या है 12.145 is a terminating decimal बोल रहा है। तो कैसे, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे 12.145 इसको यहाँ पे
डेसिमल को टर्मिनेट करते हैं कितना हो गया 30। तो इसे अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो हम लोग को जरूर इसका मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, अगर 2 to the power 3 एंड 5 to the power 3, 2 to the power 3 एंड 5 power 3 इस फॉर्म में मिल रहा है थाउजेंड का यानी कोसेंट, तो होना चाहिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। चार ऑप्शन होंगे आपके पास और इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दैट वेर एम इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 3 हेंस एसर्शन इज ट्रू सिंस रीजन गिव्स एसर्शन सो आर आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर वेर एक्स इज ए प्राइम नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसी रीजन जो है एसर्शन को क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोर ऑप्शन अपने पास है। एज वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर सो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन ए सो वी विल गो विद द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एच सी एफ इंटू एल सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी The LCM of two number is 8 and their product is 280, then their LCM is 40. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है LCM कितना हो गया A into B हो गया 8 into LCM 280 and LCM equal to 35, यानी LCM यहाँ 40 दिया हुआ है लेकिन हमें कितना मिल रहा है 35 मिल रहा है। तो हम लोग C के साथ जाएंगे, assertion A is true but reason is false, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 35, ये सारा चीज दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है नहीं और एलसीएफ भी दिया हुआ है, तो अगर हम इसे प्रोडक्ट और एलसीएफ को एलसीएफ से डिवाइड करेंगे तो हमको एलसीएम मिलना चाहिए, तो हम लोग को एलसीएम कितना मिला 35 और दिया कितना है 40, तो ये क्या हो गया एक्सप्लेनेशन रीजन जो है गलत हो गया, इसलिए हम लोग सी के साथ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज ए रेशनल नंबर, सही है, 3 कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 3/1, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बोथ ए एसर्शन ये फोर ऑप्शन आपके पास है, हियर रीजन इज नॉट ट्रू, क्यों, क्योंकि रूट 9 को अगर करते हैं तो प्लस माइनस 3 मिलता है जो कि इरेशनल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी assertion A is true but reason is false, तो हम लोग C के साथ जाएंगे। Next question, that's it for today. Thanks for watching my dear future of the country. We will meet in the next video. Thank you, have a nice day to all of you.